हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी से सैंडविच और इजी वे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पैन में पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल हॉट गरम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें ज़ीरा डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट ली थी वो डाल देंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और फ्रेंड्स, मैंने 3 अमरूद के साइज़ के आलू उबाल के पहले से रखे हुए हैं, उन्हीं से मैं सैंडविच बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक इसमें कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा, पर शिमला मिर्च ज़रूर डालिएगा। मैंने इसमें एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च काट के डाली है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कच्ची रखनी है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, कम ही डालनी है हल्दी। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें हमारे उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे और पूरे मसाले को मिक्स कर लेंगे। हमें मसाले को बहुत देर तक नहीं भूनना है, बस मिक्स करना है और 1 मिनट के बाद बंद कर दीजिए गैस। फ्रेंड्स, अब हम हमारी ब्रेड तैयार करते हैं। 1 ब्रेड में मैंने रेड सॉस लगा लिया है और 1 पर मैंने ग्रीन चटनी लगा ली है। चटनी की आपको रेसिपी जाननी हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। फ्रेंड्स, अब हम हमारे मसाले को फैला देंगे और हमें चम्मच को ऐसे प्रेस करते हुए पूरे मसाले को ब्रेड पर अच्छी तरह फैला देना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। अब हम दूसरी वाली ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और फिर उसे भी हाथ से इसे प्रेस कर देंगे। आइए, हम इसे तवे पर सेक लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें पहले 1 चम्मच घी लगा दिया है। अब हम हमारे सैंडविच को इस पर रख देंगे और 3 मिनट तक इसे मीडियम आँच पर पकाएँगे, जब तक हम दूसरी साइड पर इसमें घी लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घी आप अच्छे से ही लगा दीजिएगा, तभी हमारा सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। फिर हमें दूसरी तरफ से भी हम सैंडविच को 3 मिनट तक सेक लेंगे। ये देखिए, हमारा क्रिस्पी सा सैंडविच रेडी है। अब हम इसे चाकू की सहायता से काट देंगे। आपको जैसे भी शेप में इसे काटना हो आप काट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आसानी से कट जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा, और इसमें मसाले के अंदर से कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप इंजॉय कीजिए रेड सॉस और ग्रीन चटनी के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।